Students, today we will discuss MCQ of 8th class chapter, the open window. Let's begin. Question number first, the open window is written by, open window किसके द्वारा लिखी गई है? Rudyard Kipling, Saki, Ahmad Nadeem, Kasmi, Jay Narayan Kaushik. The answer is Saki. The open window is written by Saki. Next question. Who are the central characters in the story? कहानी में मुख्य पात्र कौन है? Mrs. Sepleton, Vera, Mr. Frampton Nuttall, all of the above. The answer is all of the above. कहानी के मुख्य पात्र Mrs. Sepleton, Vera और Mr. Frampton Nuttall हैं. Next. Which are the key points of the tale invented by Vera? वेरा के द्वारा कही गई काल्पनिक कहानी के मुख्य बिंदु क्या हैं? मिस्टर सेपल्टन एंड मिसिज सेपल्टन्स ब्रदर्स वेंट ऑफ फॉर देयर डेज शूटिंग. श्रीमान सेपल्टन और मिसिज सेपल्टन के भाई दिन के शिकार के लिए बाहर गए. दे नेवर केम बैक. वे कभी भी वापस नहीं आए. इन क्रॉसिंग द मूर दे वर All three engulfed in a treacherous piece of bog. जब वो बंजर भूमि को पार कर रहे थे तो वे तीनों दलदल में फंस गए. All of the above या फिर सभी. The answer is all of the above. वेरा ने जो कहानी मिस्टर नटल को बताई वह कहानी यह थी कि 3 साल पहले श्रीमान सेपल्टन और उसकी पत्नी के दो भाई शिकार के लिए गए थे और जब वो बंजर भूमि को पार कर रहे थे तो दलदल में फंस गए और वो आज तक भी वापस नहीं आए हैं. नेक्स्ट. व्हाट हैपेंड टू फ्रैम्पटन आफ्टर लिसनिंग द स्टोरी टोल्ड बाय मिसिज सेपल्टन्स निस. श्रीमती सेपल्टन की भतीजी द्वारा कही गई कहानी को सुनने के बाद फ्रैम्पटन को क्या हो गया था? ही बिकेम हैप्पी. वह खुश हो गया. ही बिकेम मोर नर्वस. वह बहुत परेशान हो गया. ही वैन फ्रॉम देयर. वह वहाँ से चला गया. ही डिड नॉट बिलीव द स्टोरी. उसे कहानी पर विश्वास नहीं हुआ. द आंसर इज ही बिकेम मोर नर्वस. श्रीमती सेपल्टन की भतीजी द्वारा कही गई कहानी को सुनने के बाद फ्रैम्पटन और ज़्यादा परेशान हो गई. नेक्स्ट. What happened to Frampton when Mr. Sepleton and Mrs. Sepleton's brother were seen walking across the lawn towards the window? जब श्रीमान सेपल्टन और उसकी पत्नी के भाई लॉन से होते हुए विंडो खिड़की की तरफ आ रहे थे तो उनको देखकर फ्रैम्पटन को क्या हो गया? He came to know about the truth. उसे सच्चाई के बारे में पता चल गया. फ्रैम्पटन केम टू नो दैट वेरा हैड बीन टेलिंग ए लाई टू हिम. फ्रैम्पटन को पता चल गया कि वेरा उससे झूठ बोल रही थी. फ्रैम्पटन टुक देम फॉर द घोस्ट एंड रेन अवे. फ्रैम्पटन ने उनको भूत समझ लिया और वहाँ से भाग गया. फ्रैम्पटन बिकेम वेरी हैप्पी. फ्रैम्पटन बहुत खुश हो गया. द आंसर इज फ्रैम्पटन टुक देम फॉर द घोस्ट एंड रेन अवे. जब सेपल्टन और सेपल्टन की पत्नी के दोनों भाई शिकार करके खिड़की की तरफ आ रहे थे तो फ्रैम्पटन ने उनको भूत समझ लिया और वह डर के वहाँ से भाग गया. द कलर ऑफ द डॉग सेफनियल वाज. सेफनियल कुत्ते का रंग कैसा था? येल्लो वाइट रेड ब्राउन. द आंसर इज ब्राउन. द कलर ऑफ द डॉग सेफनियल वाज ब्राउन. नेक्स्ट. व्हाट हैड फ्रैम्पटन नटल कम टू द रूरल रिट्रीट. फ्रैम्पटन नटल ग्रामीण आवास में क्यों आया था? टू विजिट द रूरल एरिया. ग्रामीण इलाके की यात्रा करने के लिए. फॉर हिज नर्व क्योर. अपने मानसिक इलाज के लिए. टू अटेंड द मैरिज फंक्शन. शादी में आने के लिए. टू सी हिज इल मदर या फिर अपनी बीमार माँ से मिलने के लिए. द आंसर इज फॉर हिज नर्व क्योर. फ्रैम्पटन नटल अपने मानसिक इलाज के लिए गांव में आया था. नेक्स्ट. फ्रैम्पटन नटल सफर्ड फ्रॉम. फ्रैम्पटन नटल
किस बीमारी से पीड़ित थे, ट्यूबरक्लोसिस, सुगर, मलेरिया, बैड नर्व। फ्रेम्पटन नटल सफर्ड फ्रॉम बैड नर्व। फ्रेम्पटन नटल मानसिक तनाव से पीड़ित थे, उन्हें मानसिक रोग था। नेक्स्ट, नटल वेंट टू ब्लैंक फॉर हिज नर्व क्योर। नटल अपने मानसिक इलाज के लिए कहाँ गए, फॉरन हिल्स, कंट्री, सिटी। द आंसर इज कंट्री। नटल वेंट टू कंट्री फॉर हिज नर्व क्योर। नटल अपने मानसिक इलाज के लिए गांव में गए। व्हाट वाज द नेम ऑफ मिस्टर नटल्स सिस्टर फ्रेंड। श्रीमान नटल की बहन की मित्र का क्या नाम था, मिसिज मैरी, मिसिज मैकफर्सन, मिसिज सेपल्टन, मिसिज हैरिसन। द आंसर इज मिसिज सेपल्टन। मिस्टर नटल की बहन की मित्र का नाम श्रीमती सेपल्टन था, मिसिज सेपल्टन था। नेक्स्ट, व्हाट वाज द नेम ऑफ मिसिज सेपल्टन्स निस। श्रीमती सेपल्टन की भतीजी का क्या नाम था, सेरा, बेरा, हेरा, वेरा। द आंसर इज वेरा। द नेम ऑफ मिसिज सेपल्टन्स निस वाज वेरा। हाउ मैनी ईयर्स ओल्ड वाज सी। वह कितने साल की थी, 16, 14, 15, 16 दो बार दिया गया। द आंसर इज 15। सी वाज 15 ईयर्स ओल्ड, वह 15 साल की थी। श्रीमती सेपल्टन की भतीजी का नाम वेरा था और वह 15 साल की एक युवती थी। नेक्स्ट, द ट्रेजडी हैपेंड विद। दुखद घटना किसके साथ घटित हुई, वेरा, मिस्टर नटल, मिसिज सेपल्टन, नन ऑफ द अबव। द आंसर इज मिसिज सेपल्टन। दुखद घटना श्रीमती सेपल्टन के साथ घटित हुई। हु लॉस्ट इन द मार्सिस। दलदल में कौन खो गए थे, द सेपनियल, मिस्टर सेपल्टन, मिसिज सेपल्टन, यंग ब्रदर्स, ऑल ऑफ द अबव। द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। दलदल में सेपनियल कुत्ता श्रीमान सेपल्टन और उसकी पत्नी के भाई खो गए थे। नेक्स्ट, व्हाट वाज द नेम ऑफ मिसिज सेपल्टन्स यंगेस्ट ब्रदर। श्रीमती सेपल्टन के सबसे छोटे भाई का क्या नाम था, कोनी, रोनी, सोनी, नन ऑफ द अबव। द आंसर इज रोनी। मिसिज सेपल्टन के सबसे छोटे भाई का नाम रोनी था। नेक्स्ट, व्हाट वाज मिसिज सेपल्टन्स हस्बैंड कैरिंग ऑन हिज शोल्डर्स। मिसिज सेपल्टन के पति अपने कंधे पर क्या लिए हुए थे, ए गन, ए टॉय, ए डॉग, ए व्हाइट कोट। द आंसर इज ए व्हाइट कोट। मिसिज सेपल्टन्स हस्बैंड वाज कैरिंग ए व्हाइट कोट ऑन हिज शोल्डर्स। नेक्स्ट, एक्चुअली व्हाट टेरिफाइड मिस्टर नटल। वास्तव में मिस्टर नटल को किस चीज ने डरा दिया था, डॉग्स, घोस्ट, गन, वेरा। द आंसर इज घोस्ट। वास्तव में मिस्टर नटल घोस्ट भूतों से डर गए थे और वो भूत श्रीमान सेपल्टन और उसकी पत्नी के दोनों भाइयों को समझ रहे थे। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द निस व्हाट टेरिफाइड मिस्टर नटल। भतीजे के अनुसार मिस्टर नटल किससे डर गए थे, डॉग्स, घोस्ट, गन, ऑल ऑफ द अबव। द आंसर इज डॉग्स। भतीजे के अनुसार मिस्टर नटल कुत्तों से डर गए थे। डिड मिसिज सेपल्टन पे अटेंशन टू मिस्टर फ्रेम्पटन्स बैड नर्व। क्या श्रीमती सेपल्टन ने श्रीमान फ्रेम्पटन के मानसिक तनाव की ओर ध्यान दिया, यस, नो। द आंसर इज नो, नहीं, श्रीमती सेपल्टन ने श्रीमान फ्रेम्पटन के मानसिक तनाव की ओर ध्यान नहीं दिया। फ्रॉम वेयर डिड मिस्टर सेपल्टन एंड मिसिज सेपल्टन्स टू यंग ब्रदर्स गो आउट फॉर शूटिंग। श्रीमान सेपल्टन और उसकी पत्नी के दो भाई शूटिंग के लिए कैसे गए, कहाँ से गए, मेन डोर, मुख्य दरवाजे से, द ओपन विंडो, खुली खिड़की से, द ओपन डोर, खुले दरवाजे से, नन ऑफ द अबव, या फिर कहीं से भी नहीं। द आंसर इज द ओपन विंडो। श्रीमान सेपल्टन और उसकी पत्नी के भाई खुली खिड़की से शिकार करने के लिए गए।